नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 15 मई 2024 की प्रातः है 5:45 पर सूर्यदेव अपनी वर्तमान मंगल से प्रभावित मेष राशि को छोड़कर शुक्र से प्रभावित वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 जून 2024 तक सूर्य वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं और ये गुरु के साथ युति भी बनाने वाले हैं। इसकी वजह से एक महीने के लिए गज केसरी नाम का महान राजयोग बनने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में सूर्यदेव सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्यदेव जो मिथुन राशि है उसके पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं और नव ग्रहों में सूर्य को विशेष सकारात्मक ग्रह माना गया है, सात्विक ग्रह भी माना गया है। सूर्य को ग्रहों का राजा और संपूर्ण जीव जगत की आत्मा का स्वरूप माना गया है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना गया है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर सूर्य का ही प्रभाव होता है। यदि कुंडली पर सूर्यदेव सकारात्मक और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से जातक की वाणी और जातक का जो व्यक्तित्व होता है वो काफी आकर्षण से भरा हुआ बनता है। सूर्य अगर बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से जातक अपने जीवन में जहां परिवारजनों का भरपूर सहयोग प्राप्त करता है, वहीं सामाजिक रूप से भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाता है, समाज में भी वर्चस्व बनाकर चलता है। यही सूर्य जब जन्म कुंडली पर शनि, राहु, केतु के प्रभाव में होते हैं या अपनी नीच राशि में मौजूद हो तो समस्याओं का सामना जीवन में ज्यादा करना पड़ता है। हड्डी में बीमारी, पेट में समस्या, घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों जनित रोग और हृदय जनित समस्या शरीर में होती है तथा सूर्य के कमजोर होने पर जीवन में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है तथा सूर्य के कमजोर होने पर जीवन में पारिवारिक विसंगतियों का सामना भी करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मिथुन राशि वाले जातकों, सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं और 15 मई 2024 को ये आपके द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली का जो 12वां घर है उससे हानि के बारे में, विदेश, मोक्ष, सैया सुख, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में इसी भाव से जानकारी ली जाती है, यानी इन सभी चीजों का विचार द्वादश भाव से ही किया जाता है। सूर्य आपके द्वादश भाव पर विराजित हैं तो यहां पर गुरु के साथ विराजित हैं, कुछ मामलों में आपको बहुत ही जबरदस्त सफलता देने वाले हैं। इस समयावधि में, यानी इस एक महीने की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातक सही दिशा निर्देश के साथ यदि सही डायरेक्शन में काम करते हैं तो आपके जीवन में उल्लेखनीय सफलता मिलने वाली है। पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव पर विराजित हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका आत्मबल है, जो आपका मनोबल है, उसमें कुछ कमी भी आपको मिल सकती है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जा रही है, इस एक महीने तक आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है।
सूर्य की सप्तम दृष्टि गुरु के साथ आपके सिक्स हाउस पर पड़ने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के लिए उन्नति के अवसर मिलने वाला है। प्रमोशन जैसी स्थिति को लेकर यदि आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, यह समय आपके जीवन में बेहतर रहने वाला है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों को यात्राओं से लाभ मिलने वाला है तथा विदेश से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में यदि आप काम कर रहे हैं, विदेश से संबंधित योजनाएं आपकी सफल होने वाली है। गुरु के साथ सूर्यदेव द्वादश भाव पर प्रभावी होकर विदेश यात्रा करने वाले जातकों को भी अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं। आशंका इस प्रकार से भी है कि मिथुन राशि वाले जातक, यदि आप वर्तमान में कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में आप जुड़कर चल रहे हैं और आपका पक्ष यदि सकारात्मक है तो आपके जीवन में विजय की संभावना भी देखने के लिए मिलने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों, कोई असाध्य रोग यानी कोई बड़े भयानक बीमारी से भी आपको निजात मिल सकती है। इस प्रकार का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब चूंकि जो मिथुन राशि है वो बुध से प्रभावित राशि मानी जाती है और बुध का जो स्वभाव है, बुध देव वक्री होते हैं, अस्त होते हैं, बलवान होते हैं, यानी बुध है। काफी लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रह नहीं है, ये काफी कम समय में राशि परिवर्तन भी करते हैं और कभी वक्री होते हैं, कभी अस्त होते हैं, कभी शुभ राशियों में होते हैं। यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को एक खास बात ध्यान रखकर यह चलना है, कर्म भाव पर राहु और मंगल का अंगारक योग आपके लिए बना हुआ है, 31 मई तक बना हुआ है। तो यहां पर जो आपको वाणी के द्वारा मतभेद नहीं करना है, परिवार में भी और छोटी मोटी बातों को लेकर आप अपने वाणी के द्वारा क्रूर शब्दों का प्रयोग जीवन में ना करें, यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और सूर्य को यदि आप बलवान रखना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय के पहले सोकर जरूर उठ जाना चाहिए, सूर्य का दर्शन जरूर करें। और यदि आपकी कुंडली पर सूर्य की महादशा चल रही है तो आपको मीठा जल सूर्य को अर्पित तांबे के लोटे के द्वारा करना चाहिए। मीठा जल बनाने के लिए आपको जल में या तो आप रोली डाल सकते हैं या तो आप शहद डाल सकते हैं, उसको मीठा बना लें, उसके पश्चात सूर्य को अर्पित करें, इससे आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। सूर्य को मजबूत करने के लिए ओम सूर्याय नमः या ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।